हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन जिम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई अकाउंटिंग। जिन बच्चों ने अभी तक अकाउंट्स की एक भी क्लास नहीं ली है, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास हो सकती है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बेटे, जैसे मैं हूँ हिमांशु द हैंडसम, मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो बिज़नेस स्टार्ट करता है बेटे, वो बिज़नेस का स्वामी होता है, बिज़नेस का मालिक होता है, बिज़नेस मैन होता है। मैं एक बिज़नेस मैन हूँ जो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। सपोज़ कि मैं फैशन गारमेंट्स नाम की एक शॉप स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बेटे, जब मैं ये शॉप स्टार्ट करूँगा तो इसमें मैं कुछ पैसा लगाऊँगा, पूंजी लगाऊँगा। और बेटे, जो हम पैसा बिज़नेस में लगाते हैं उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। मैं कैपिटल लगाऊँगा। तो बेटे, सपोज़ कि मैंने बिज़नेस में 1 लाख रुपये लगाए। अब बेटे, 1 लाख रुपये लगा के मैं ऐसे तो छोड़ नहीं दूँगा। अब मैंने 1 लाख रुपये लगा दिए तो मैं कुछ टाइम बाद ये देखना चाहूँगा कि मेरे बिज़नेस कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए मैं रिकॉर्ड कीपिंग करूँगा। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखना। बेटे, जब मैं इनकम और एक्सपेंस का हिसाब किताब रखूँगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज़ 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 1 साल बाद, जब इनकम और एक्सपेंस को जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरे को या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। ठीक है बेटे, तो अब हम समझते हैं कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। बिज़नेस के एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है बेटे, बिज़नेस के एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को जानना ही हमारा मेन पर्पस होता है। अब बेटे, हम समझते हैं प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा। बेटे, मैंने जैसे 1 लाख रुपए कमाया बिज़नेस से अपने, और 80,000 रुपए मैंने खर्च कर दिया बिज़नेस पे अपने। तो बेटे, जो 20,000 रुपये मेरा एक्सेस आया ना, जो हमारी इनकम, जो हमने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया है, वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है बेटे, और जो लॉस होता है वो हमारा, वो कैसे आता है। लॉस हमारा होता है सपोज़ कि बेटे, मैंने 80,000 रुपये कमाया और मैंने बिज़नेस पे खर्च कर दिया अपने 90,000 रुपये खर्च। ठीक है बेटे, तो जो 10,000 रुपये मेरा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 10,000 रुपये मेरे जो खर्च एक्स्ट्रा है, वो हमारा लॉस है। ठीक है बेटे, प्रॉफिट होता है जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है हमारे एक्सपेंस से, और लॉस होता है जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होता है हमारी इनकम से। ठीक है बेटे, और एक थर्ड केस होता है जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है, मतलब थर्ड केस होता है हमारा जब हमारी इनकम बराबर होती है हमारे एक्सपेंस के। सपोज़ कि मैंने 10,000 रुपये कमाए और 10,000 रुपये ही मैंने खर्च कर दिए, तो मेरी जेब में ना तो कुछ ज़्यादा बचा ना तो कुछ कम बचा, यानी कि 0 आएगा। इनकम भी नहीं होगी और एक्सपेंस भी नहीं होगा कुछ, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक है बेटे, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है हमारी एक्सपेंस से। लॉस कब होता है, जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होता है हमारी इनकम से, और जब इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर हों तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब बेटे, आपको कसम है अपने उनकी कि आप ये 3 बातें हमेशा याद रखेंगे। प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल कैसे बढ़ती है, सपोज़ कि हमारी स्टार्टिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपए, प्रॉफिट हो गया हमें 5,000 रुपये का, तो जो न्यू कैपिटल आएगी हमारी 1 लाख प्लस 5,000 इज़ इक्वल टू 1,05,000 रुपये। हमारी ये कैपिटल 5,000 रुपये से बढ़ गई। लॉस होने पर कैपिटल घटती है। बेटे, हमारी स्टार्टिंग कैपिटल जो थी वो थी हमारी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने लगाए थे, हमें मान लीजिए लॉस हो जाता है 10,000 रुपए का, तो हमारी जो कैपिटल आएगी, जो ईयर एंड पे कैपिटल आएगी हमारी, वो जाएगी 1 लाख माइनस लॉस आया हमारा 10,000 रुपये इज इक्वल टू 90,000 रुपये। हमारी कैपिटल 10,000 रुपये से कम हो गई। ठीक है बेटे, प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है, लॉस होने पर कैपिटल कम होती है। और जी, सबसे मेन टर्म है हमारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हमेशा हमेशा और हमेशा बिज़नेस की ही होती है। हम बिज़नेस मैन की अकाउंटिंग नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस की अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि हमारा बिज़नेस हमें कितना अर्न करके दे रहा है, और क्या हमें हमारे मतलब पैसे वसूल हो भी रहे या नहीं हो रहे, या कैसी परफॉर्मेंस हमारा बिज़नेस दे रहा है। इसलिए हम सिर्फ बिज़नेस की ही अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है बेटे, आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो। और ऐसे भी और वीडियोस के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे नोट्स अगर आपको चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।